हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन सीरीज टू है, ठीक है। जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है एप्टीट्यूड की सीरीज, उसमें ये क्वेश्चन नंबर टू है, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको जो है जो मैथ एप्टीट्यूड के का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो पे जाएंगे, वीडियो का ऑप्शन, वीडियो का ऑप्शन के जस्ट बगल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे मैथ एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जो है, ठीक है। इसका सलूशन कैसे होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। दो लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, दो लाइन में सॉल्व हो जाएगा, तब दो लाइन का आंसर है। देखो, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए, ठीक है, और रेशियो आपको सिंगल लाइन में रेशियो खत्म कर दे, केवल एक एक लाइन में रेशियो की बने, देखो एक ही लाइन में रेशियो क्वेश्चन खत्म, ठीक है। देखो, दूसरा कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, एक ही इक्वल टू साइन लगा के एक रेशियो आपको गिवन है और आपसे दूसरा जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर हमको केवल एक ही बार रेशियो गिवन हो, ठीक है, एक इक्वेशन के फॉर्म में रेशियो गिवन हो, देखो यहाँ एक ही इक्वेशन है रेशियो की, बस दूसरी कोई इक्वेशन नहीं, तीसरी कोई इक्वेशन नहीं, ऐसे में क्या किया करो, एक बार ऐसे चेक कर सकते हो कि इन ये जो रेशियो गिवन होते हैं, ठीक है, इनको आप कुछ ऐड कर रहे, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, या इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा कुछ मैंने सोचा करो, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो लास्ट वाला जो दोनों रेशियो है इसको ऐड करूँगा ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूँ, ठीक है, इसको मैं ऐड करूँ 2, 3, 5 ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। मतलब लास्ट के दोनों रेशियो को जब हम ऐड करेंगे तो हमको जो है कितना मिल जाएगा, ये वाला रेशियो मिल जाएगा, मतलब ये। तो हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, बात इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। ये रेशियो जो जो गिवन है इसको हम ऐड करते हैं, इट मीन्स 3 - 4c, इसको ऐड करो 5c - 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए इनको, ये वाला मिलना चाहिए, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, अभी थ्री थ्री बी टू बी मान इधर जाएगा बी, 4c 5c ये हो जाएगा सी, ठीक है, बी प्लस सी, और इधर आपको बचा कितना, इधर चला जाएगा पर डी, इस डी को मैं हमने इधर भेज दिया डी, और ए इधर पहले से था डी प्लस ए, ठीक है। अब देखो ये वाला डी जब इसको डिवाइड कर दोगे, इधर मान लो मल्टीप्लाई में 1 चल रहा है, ठीक है, तो डी प्लस सी अपॉन डी प्लस ए, ये कितना आ गया, इधर वाला और मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो डी प्लस सी अपॉन डी प्लस वन, इट मीन्स बी प्लस सी का जो रेशियो होगा कितना आ जाएगा, 1:2। देखो जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हो एक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको रेशियो गिवन हो, तो ऐसे में क्या करो, आप नंबर को पूरे नंबर को जोड़ के घटा के कुछ चेक कर सकते हो, ठीक है। आप इधर जोड़ने घटाने में जो है जो प्रोसेस यहाँ पर लगाए हो जोड़ने का या घटाने का, वही सेम प्रोसेस इधर लगा करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एक तो सिंपल सोल्यूशन था, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको ये ट्रिक नहीं पता होती उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सवाल सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको आप एक बार देखो, एनालिसिस करो आप खुद से, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक, थैंक यू।